अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और इसमें हम बात करेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी एनाटॉमी और स्पर्म और एग की प्रोडक्शन के हवाले से। तो सबसे पहले देखते हैं मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, ये ह्यूमंस की मेल्स की एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होते हैं, और इनको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। जेनिटेलिया बेसिकली कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, और एक्सटर्नल इसको इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर ऑर्गन्स के ये मोस्टली जो हिस्से हैं ये मेन बॉडी से बाहर मौजूद होते हैं। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में दो चीज़ें आती हैं, एक तो टेस्टिस का एक पेयर है, ये दो टेस्टिस मौजूद होती हैं, एक ये और एक ये। ये दो टेस्टिस एब्डोमेन के नीचे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती हैं, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम स्क्रॉटम कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन एक्सटर्नल जेनिटेलिया का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, जिसको हम पीनस कहते हैं। ये कॉपुलेटरी ऑर्गन बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म्स ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब टेस्टिस जो है ये बेसिकली एक सेट ऑफ कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, काफ़ी सारी टेढ़ी मेढ़ी कॉन्वोलेटेड नालियाँ होती हैं, और इन नालियों को हम कहते हैं सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनीफेरस का मतलब है सीमन बनाने वाली ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड लेयर होती है सेल्स की, जिसको हम जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं। ये जर्मिनल एपिथीलियम मियोसिस के ज़रिए से स्पर्म्स प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कॉपुलेटरी ऑर्गन दूसरा ऑर्गन है जो इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है फीमेल की बॉडी में स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। स्पर्म की प्रोडक्शन कैसे होती है? तो जैसे हमने बात की कि जर्मिनल एपिथीलियम है जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है। अब ये जर्मिनल एपिथीलियम के जो सेल्स हैं, ये पहले अपनी तादाद बढ़ाते हैं थ्रू माइटोसिस। माइटोसिस के ज़रिए से इनकी तादाद जो है ये कॉन्स्टेंटली माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते रहते हैं, और अपने जैसे न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। फिर इनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो डेडिकेट होते हैं, और वो जाते हैं मियोसिस की तरफ। इन सेल्स को हम स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अब जिस सेल के अंदर मियोसिस का पहला फेज होता है उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, और जिस सेल में दूसरा फेज मियोसिस का होता है इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। मियोसिस के नतीजे में अल्टीमेटली चार डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये चारों डॉटर सेल्स जो हैं इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होता है, यानी कि ये हैप्लॉइड होते हैं, और अल्टीमेटली इन चारों को हम फिर स्पर्मेटिड्स कहते हैं, जो कम्प्लीटली मेच्योर होने के बाद स्पर्म बनाते हैं। अगर एक स्पर्म को आप देखें तो स्पर्म के दो मेन हिस्से होते हैं, एक तो इसका हेड होता है जिसके अंदर उसका तमाम तर डीएनए मौजूद होता है, जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स इसके अंदर मौजूद होंगे। फिर इसके साथ, इस हेड के साथ एक छोटी सी टेल एसोसिएटेड होती है जो ज़रा लंबी सी होती है, और ये टेल स्विमिंग में हेल्प करती है ताकि ये स्पर्म स्विम करके कीमोटैक्सिस के थ्रू एग तक पहुँच सके। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर बहुत सारे एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि हेल्पर ग्लैंड्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म की सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। इनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये सर्टिलाई सेल्स कहलाते हैं। सर्टिलाई सेल्स जिस जगह पर सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल, ये एक सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया हुआ है, तो इसके अंदर यहाँ पे देखें तो ये स्पर्मेटोगोनिया है, जिनके अंदर जिनसे फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर स्पर्म बनते हैं। तो ये इस ट्यूब्यूल के जो है किनारों पर वो स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, और सेंटर की तरफ जो है ये सारे स्पर्म्स मैच्योर स्पर्म मौजूद हैं, और दरमियान में इसकी ल्यूमन होती है। अब इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टाइप के सेल्स मौजूद हैं जिनको हम सर्टिलाइट सेल्स कहते हैं, और ये सर्टिलाइट सेल्स यहाँ पर स्पर्म्स को और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स वगैरह को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अलावा जो है जब स्पर्म्स यहाँ से प्रोड्यूस हो जाते हैं तो फिर ये वास डेफरेंस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एक नाली के थ्रू जो है वो टेस्टिस से बाहर चले जाते हैं और वास डेफरेंस पे जाते हैं।
वास डेफरेंस का इनिशियल पोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड होता है, वो तिरछा टेढ़ा मेढ़ा होता है, और इसको हम एपिडिडिमस कहते हैं। यहाँ पर वक्ती तौर पर स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है। इसके बाद स्पर्म्स जो हैं वो अल्टीमेटली सेमिनल वेजिकल में पहुँचते हैं। सेमिनल वेजिकल के अंदर शुगर रिच फ्लूड होता है, जिससे स्पर्म्स की नरिशमेंट का काम होता है, और यहाँ पर भी स्पर्म्स वक्ती तौर पर स्टोर होते हैं। इसके अलावा इजैकुलेशन के दौरान स्पर्म्स को जब बॉडी से रिलीज किया जाता है, तो उस वक्त बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है जो सीमन के अंदर फ्लूड डिफरेंट किस्म के केमिकल सब्सटेंसेस ऐड करता है, और इसके अलावा साथ ही प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो स्पर्म्स की नरिशमेंट और प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट फ्लूड्स प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर बास सेल्स मौजूद होते हैं, जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान जो सेल्स हैं वो इंटरस्टिशियल सेल्स कहलाते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम टेस्टोस्टिरोन कहते हैं। ये टेस्टोस्टिरोन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म्स की प्रोडक्शन में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जब बचपन से लड़कपन शुरू होता है, तो उस वक्त ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स डेवलप करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स में बेसिकली आवाज़ का भारी होना मर्दों में, और इसके अलावा चेहरे पर और जिस्म के दूसरे हिस्सों में बालों का नमूदार होना है। इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका, वो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन, वो स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाना है। तो इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि चार पांच डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स हैं जो बहुत सारी अपनी सिक्रीशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इनका मेन फंक्शन स्पर्म्स की प्रोटेक्शन, नरिशमेंट और प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जैसे हमने बात की थी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो टेस्टिस में, और ये नालियां यहाँ पर आप टेस्टिस के क्रॉस सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी नालियां हैं और टेढ़ी मेढ़ी नालियां हैं जिन्होंने पूरा ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर बाहर की तरफ जो है ये एपिडिडिमस है जो काफ़ी फूला हुआ सा कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन है, और ये आगे चलकर एक नाली बनाता है जिसको हम वास डेफरेंस कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को अगर हम गौर से एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करें, तो ये यहाँ पे आपको टेस्टिस नज़र आ रहा है, और ये टेस्टिस है। टेस्टिस जो है ये कवर्ड है एक सैक के अंदर। इस सैक को हम स्क्रोटम कहते हैं। और अब यहाँ से ये इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है टेस्टिस का, ये एपिडिडिमस कहलाता है। एपिडिडिमस में से एक नाली निकलती है जो स्पर्म्स को लेकर मूव करती है, इसको हम वास डेफरेंस कहते हैं। ये नाली अल्टीमेटली जाती है और ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड तक पहुंचती है। सॉरी, पहले जो है यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर सेमिनल वेजिकल, ये जो बड़ा सा ग्लैंड आपको नज़र आ रहा है ये सेमिनल वेजिकल है। ये दोनों प्रोस्टेट और सेमिनल वेजिकल अपनी सिक्रीशंस ऐड करते हैं स्पर्म्स के साथ। इसके अलावा ये छोटा सा आपको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड नज़र आ रहा है, ये भी अपनी सिक्रीशंस ऐड करता है, और फिर ये स्पर्म्स जो हैं यहाँ से यूरिथ्रा के ज़रिए से बॉडी से बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं थ्रू पीनिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर आप देखें, तो इसके अंदर भी इंटरनल जेनिटेलिया और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर फीमेल्स में दो ओवरीज आती हैं जो बॉडी के अंदर एब्डोमेन के अंदर ही मौजूद होती हैं। ये दो ओवरीज जो हैं इनके साथ कुछ दो नालियां एसोसिएटेड होती हैं जिनको हम ओवी डक्ट्स कहते हैं, यानी कि एग को ले जाने ओवम कहते हैं, एग को एग ले जाने वाली डक्ट्स हैं, और इसके अलावा एक सिंगल यूट्रस होता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो उसके अंदर वजाइना के कुछ हिस्से और
बॉडी के बाहर कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। यूट्रस जो है वो एक नाली सी ओपनिंग, एक बारीक सी ओपनिंग होती है, उसके थ्रू वजाइना में खुलता है। इस ओपनिंग को हम सर्विक्स कहते हैं। वजाइना जो है इसके अंदर फिर सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं यूरिन के लिए और वजाइना के लिए, वजाइना से जो डिस्चार्ज वगैरह होना है उसके, और बाहर से ये कवर्ड होती हैं दो लेयर्स स्किन की, दो फोल्ड्स में, जिनको हम लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा कहते हैं। ओवरीज जो हैं वो फीमेल्स के अंदर एग या ओवा प्रोड्यूस करती हैं और ये भी प्रोड्यूस किए जाते हैं थ्रू मियोसिस। और फीमेल्स में और मेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक मेजर डिफरेंस ये है कि मेल्स के अंदर एट ऑल द टाइम्स बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उसके मुकाबले में फीमेल्स के अंदर एक वक्त में सिर्फ एक ओवम प्रोड्यूस होता है। और ये ओवम प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, इसको ओव्यूलेशन कहते हैं। अब बेसिक जो तरीकाकार है वो ज़रा डिफरेंट है मेल में स्पर्म प्रोडक्शन में और एग प्रोडक्शन में। अब यहाँ पे भी जर्म सेल्स मौजूद होते हैं और ये जर्म सेल्स कंटिन्यूसली माइटोसिस के ज़रिए से डिवाइड करते हैं और अपने जैसे नए सेल्स बनाते रहते हैं। फिर इनमें से कुछ सेल्स जिनको हम ओओगोनियम कहते हैं, ये ओओगोनियम डेडिकेट होते हैं एग प्रोडक्शन की तरफ और ये बनाते हैं प्राइमरी ओओसाइट। प्राइमरी ओओसाइट जो है ये मुकम्मल तौर पर घिरा हुआ होता है, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे छोटे छोटे से सेल्स होते हैं जिनको हम फॉलिकल सेल्स कहते हैं। इन फॉलिकल सेल्स का काम क्या है? इनका काम ये है कि ये इस एग को नरिशमेंट और इसकी रिक्वायरमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी प्रोवाइड करने का काम करता है। अब प्राइमरी ओओसाइट के अंदर मियोसिस शुरू होती है और इसके नतीजे में सेकेंडरी ओओसाइट बनता है। और अब ये सेकेंडरी ओओसाइट जो है ये इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। अब यहाँ पर जो डिवीजन होती है ये इक्वल डिवीजन नहीं होती बल्कि अनइक्वल डिवीजन होती है। इसके दौरान एक तो काफ़ी बड़ा सा सेल बनता है और दूसरा सेल जो है मियोसिस वन के नतीजे में वो ज़रा छोटा होता है। इस छोटे सेल को हम पोलर बॉडी कहते हैं और ये बाद में ख़त्म हो जाता है, उसके मुकाबले में जो बड़ा सेल है ये आगे चल के फर्दर एग बनाएगा। अब यहाँ पर एक और पेचीदगी ये आती है कि सेकंड मियोटिक डिवीजन जो है ये वक्ती तौर पर डिले हो जाती है। सेकंड मियोटिक डिवीजन शुरू तो होती है लेकिन मेटाफेज पे आते ही ये डिवीजन रुक जाती है और ये उस वक्त तक रुकी रहती है जब तक स्पर्म आकर इस एग को फर्टिलाइज नहीं करता। अगर स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर ये अपनी डिवीजन सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा, अदरवाइज इसमें सेकंड मियोटिक डिवीजन कई कई साल तक अरेस्टेड फेज में ही पड़ी रहेगी। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को अगर एक दफ़ा हम दोबारा देखें तो इसके अंदर दो ओवरीज हैं बॉडी के दोनों साइड्स के ऊपर। ओवरीज के अंदर एग प्रोड्यूस होते हैं थ्रू मियोसिस और एग्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉलिकल सेल्स। फिर ओवरी से एग को ले जाने के लिए ओविडक्ट मौजूद है और ये ओविडक्ट एग्स को यूट्रस में लेके आती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो यूट्रस के अंदर ही एग इम्प्लांट हो जाता है और यहाँ पर अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करता है। इसके अलावा ये यूट्रस जो है ये एक काफ़ी बड़ा सा मस्कुलर पाउच होता है जो फीटस को या चाइल्ड को काफ़ी अरसे तक संभालने और नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। यूट्रस एक ओपनिंग के ज़रिए से वजाइना में खुलता है, इस ओपनिंग को हम सर्विक्स कहते हैं। वजाइना जो है इसमें फिर सेपरेट ओपनिंग होती हैं वजाइना और यूरिन के लिए, अलग अलग बॉडी से बाहर ओपनिंग होती हैं और बाहर से वजाइना कवर्ड होता है लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा से। आज के लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की है। हमने कहा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इसके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ओवरीज और सॉरी टेस्टिस और पीनस हैं और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो स्पर्म्स को नरिशमेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं और ये तमाम ऑर्गन्स मिलकर स्पर्म्स की प्रोडक्शन और उनको एग तक पहुंचाने का काम करते हैं।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस और वजाइना है। वजाइना और लेबिया मिनोरा और लेबिया मेजोरा जो है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया में शामिल हैं, और इन तमाम ऑर्गन्स का काम एग की प्रोडक्शन और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, और इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन उस एग को कंप्लीट इंडिविजुअल तक डेवलप होने में हेल्प प्रोवाइड करना है। थैंक यू।